मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 18 अक्टूबर 2020 का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन, क्या-क्या बदलाव होगा। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपके धन संपत्ति के बारे में। मित्रों, आज से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो आज के दिन अपने रुके हुए धन को आप प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि इस काम को करने में आज के दिन आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से भी आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आज से पहले अगर आपके घर परिवार में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आज के दिन उस परेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है। मित्रों, आज के दिन अगर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के बारे में कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो सुनी सुनाई बातों पर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ भी बोलने से आपको बचना होगा, अन्यथा आने वाले समय के दौरान आपके प्रेम संबंध में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कामकाज, आपके व्यापार व्यवसाय की बात करें तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज्यादा बेहतर, न ज्यादा खराब। तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और उपाय के बारे में। मित्रों, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 3, यानी कि 3। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और पीला। दोस्तों, आज के दिन अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आप स्नान ध्यान करने के बाद आपके जो इष्ट देव हों आप उनकी पूजा करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।